दोस्तों, जब भी हम इन समुद्र को देखते हैं तो हमें इस बात का कभी भी आभास नहीं होता कि इसके अंदर कितने विशालकाय जीव रह सकते हैं। कई लोगों को तो यही लगता है कि समुद्र के अंदर छोटे मोटे जीवों का ही राज होता है, पर ना दोस्तों ना, आज ये भ्रम मैं आपका तोड़ने वाला हूँ। आज आप इस बेहतरीन वीडियो में देखोगे समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कुछ विशालकाय जीव जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर दोस्तों, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, द फिन व्हेल। तो दोस्तों, ये व्हेल दुनिया में आने वाली दूसरी नंबर पर सबसे बड़ी व्हेल है और इस व्हेल की लंबाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक फिन व्हेल की लंबाई तकरीबन 85 फीट तक हो सकती है या फिर उससे अधिक, जो कि देखा जाए तो 2 स्कूल बस से भी लंबी होती है। और यूं तो फिन व्हेल काफी बड़ी है, लेकिन ये अपना भोजन छोटे मछलियों को बनाती है और साथ ही फिन व्हेल को अकेले रहना पसंद है। और दोस्तों, अगर इनके जीवन आयु की बात करें तो ये 85 से 90 साल तक जी सकते हैं, लेकिन कई बार दुख की बात तो ये है कि ये समुद्री जहाजों से टकराकर खुद को घायल भी कर लेते हैं। नंबर 2, शार्प टेल मोला। इस मछली का नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि ये मछली समुद्र में बहुत ही कम देखने को मिलती है। साथ ही आकार में देखा जाए तो ये एक विशालकाय मछली है। इस मछली का वजन 2 टन तक होता है और लंबाई की बात करें तो ये 11 फीट तक लंबी हो सकती है। ये मछली आहार में छोटे स्पंज और मछलियों को ही खाती है। और दोस्तों, समुद्र में काफी कम नजर आने के कारण लोग इसके बारे में काफी कम जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये मछली दुनिया के सबसे विशालकाय मछलियों के लिस्ट में आती है। नंबर 3, ओशन सनफिश। ये मछली दुनिया की सबसे बड़ी बोनी फिश है। इसका वजन 2 टन से भी अधिक हो सकता है और इस मछली की अधिकतम लंबाई 11 फीट तक होती है और इसकी आकार एक तकिए की तरह होती है, या फिर आप आम भाषा में कह सकते हो चपटी। लेकिन दोस्तों, इस प्रजाति की मछलियों का बड़ा स्तर पर शिकार होने के कारण इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे भी संकटग्रस्त जीवों की सूची पर रखा है। नंबर 4, जायंट ओशियनिक मेंटा रे। तो दोस्तों, जिस तरह आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता है, उसी तरह समुद्र में आप इस सुंदर दिखने वाली मछली को तैरते देख सकते हैं। इस मछली का आकार 23 फीट तक हो सकता है और साथ ही मछली का वजन 3 टन तक होता है। ये मछली यूं तो अक्सर समुद्र में अकेले ही देखी जाती है, लेकिन कई बार इन्हें समूह में भी देखा गया है। बड़े मछली होने के बावजूद भी इस मछली का मुख्य आहार प्लैंकटन ही होता है। नंबर 5, द लायन मैनी जेलीफिश। वैसे तो दोस्तों, ये दिखने में काफी खूबसूरत होता है और इसके बॉडी का रंग भी अलग अलग होता है, जैसे कि लाल, नारंगी और भी कुछ अलग अलग रंग। लेकिन दोस्तों, ये जेलीफिश दुनिया के सबसे बड़े प्रजातियों में से एक है और अगर हम इनके टेंटिकल्स की बात करें तो इनकी लंबाई तो 130 फीट तक हो सकती है। और साथ ही दोस्तों, जेलीफिश की भी कई किस्में होती है। कई बहुत जहरीली होती है, जिन कारण जेलीफिश की वजह से हर साल कई लोगों की जान भी चली जाती है। पर यहाँ पर शुक्र की बात यह है कि ये समुद्र की गहराई पर रहते हैं और वहीं पर रहने वाली छोटी छोटी मछलियों को खाकर अपना जीवन बिताते हैं। कई बार ये अपने शिकार को पैरालाइज भी कर देते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। तो यदि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।